सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हो, आज है मेरे पास फिर से TVS iQube आपके डिमांड पे। भाई कितने लोग कह रहे थे कि भाई इसके एडवांटेज के बारे में बताओ, कुछ अच्छी चीज़ें बताओ इसके बारे में कि हम इसे लेने के लिए भाई सोच सके, क्योंकि हमने तो कितने लोगों का रिव्यू देखा है। ठीक है, ओके, आपका भी देखा, बट हमें ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जो इसे लेने में हमें मदद कर सके, हम इसे ले सके, या फिर हम किसी को सजेस्ट करें। अगर मैं अपनी मम्मी के लिए ले रहा हूँ, अपने पापा के लिए ले रहा हूँ, या अपने भाई के लिए ले रहा हूँ, अपने खुद के लिए भी ले रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ सही रहेगी नहीं रहेगी? अगर मैं अपने पापा के लिए ले रहा हूँ तो उनके लिए चलाने के लिए बेटर रहेगा नहीं रहेगा, उनके लिए परफेक्ट रहेगी नहीं रहेगी? तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भैया ये आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है कि नहीं है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि हाँ, ये जो जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके लिए सुटेबल है नहीं है, जो भी है आज इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ दोस्तों इसके मैं बताने वाला हूँ आपको, लुक। भाई लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हो ना, तो उन्हें ये जो लुक है काफ़ी पसंद आएगा। इसमें जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। अगर आप अपने फैमिली को सजेस्ट करते हो, अपने भैया किसी को भी सजेस्ट करते हो, तो इसके लुक के हिसाब से लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। ज़्यादा एक तो वो नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा लगे कि पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल भी लगती है और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगती, मीडियम रेंज की लगती है और गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। जिसका हेड यूनिट आप देख सकते हो, ऐसा हेड यूनिट आपने किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा। मतलब देखा क्या, सब गाड़ियों का तो अलग अलग ही रहता है, बट उसके हिसाब से कह रहा हूँ काफ़ी अलग है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लुकिंग वाइज काफ़ी सही है, आपको अच्छे खासे लाइट्स मिल जाते हैं अंधेरे के लिए। अगर आप गाड़ी में रात को गाड़ी में चला रहे हो, मतलब अंधेरे में गाड़ी को चला रहे हो, तो आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपके पेरेंट्स चला रहे हो तो अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, चाहे आगे से देख लो या चाहे फिर इसे पीछे से देख लो, लुक वाइज काफ़ी अच्छी है ये। तो भाई लुक के मामले में मैं यही कहूँगा, आप इसे सजेस्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये लुक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, कहीं कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए था, आपके ख्याल से क्या है, तो वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या चीज़ इसके अंदर अच्छी है। अभी दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, आपको मिलता है की फीचर, और की भी बड़ा कमाल का इसका, आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक की है इसका, और की तो है ही, और साथ में ये भी दिख रहा है आपको, आई थिंक थोड़ा ब्लर है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आपको टॉर्च भी मिल जाता है। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा फंक्शनेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक में क्या होता है, आपको अच्छा खासा मतलब उसमें तो कीलेस ही है, बाकी उसके अंदर जो आई थिंक ओला S1 एयर है उसके नीचे जितने वेरियंट्स हैं उसमें आपको की भी मिलती है। बस एक जो और गाड़ी है S1X, उसमें आपको मिलता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको की फीचर मिलता है, की से ही आप जो है सारी इसकी फंक्शन जो है आप वो कर सकते हो, मतलब यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी इधर बटन्स मिल जाते हैं जो नॉर्मल गाड़ी में मिलता है TVS के। कंपेयर कर सकते हो TVS जुपिटर से कंपेयर कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो स्क्रीन कुछ ऐसी है इसकी। बाकी मेरे को ये कहना था कि इसके अंदर आपको मिलती है की फीचर। तो अगर आप मान लो अगर किसी एज आदमी को गाड़ी दे रहे हो, तो भाई कितने लोग हैं जो अभी ओला इलेक्ट्रिक आ रही है उसमें भैया चाबी अभी तो लगती है नहीं, तो उस हिसाब से अगर आप ये वाली गाड़ी दे रहे हो तो चाबी मिलती है इसके अंदर, आप उन्हें आराम से सजेस्ट कर सकते हो, भाई चाबी डाली, गाड़ी निकाली और जिधर जाना है उधर चले गए। और की भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसके अंदर। बाकी चलते हैं अभी अगले पॉइंट की तरफ। और जो उसके बाद मेरे को अच्छी चीज़ लगी वो दोस्तों इसके अंदर डिस्क ब्रेक। अब डिस्क ब्रेक मिल जाता है इसके अंदर आप तो को, आई थिंक 3.5 mm का इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। चलो आगे तो डिस्क ब्रेक मिलता ही मिलता है, बट इसके पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। और ड्रम ब्रेक क्यों मिलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको पीछे मिलता है हब मोटर, और हब मोटर में भैया अभी डिस्क ब्रेक लगाए तो लगाए कैसे, वो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल होगा भी तो किसी, मैंने गाड़ी में तो अभी देखा नहीं है किसी भी गाड़ी में कि जिसके अंदर हब मोटर और पीछे डिस्क ब्रेक लगाओ, तो ऐसा तो मैंने देखा है नहीं। बट इसके अंदर आपको पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा अगर पीछे मिलता। खैर मिलता है क्या, किसी में मिलता ही नहीं तो इसमें क्या देंगे। बट उसके जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और जो आपकी सेफ्टी है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है पीछे आपको, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलने, तो भैया सेफ्टी आपकी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। क्योंकि चलो कोई नहीं, पीछे ड्रम ब्रेक है कोई दिक्कत नहीं, आगे डिस्क ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। अगर आप कहीं ब्रेकिंग करते हो तो भैया, अगर आपके डिस्क ब्रेक है आगे गाड़ी में, तो आराम से आप गाड़ी को रोक सकते हो, हैंडल कर सकते हो, और अगर कोई गाड़ी चला रहा है कोई राइडर, तो उसके लिए भी अच्छी खासी सेफ्टी हो जाती है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर। आपको कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, क्या इसके अंदर पीछे डिस्क ब्रेक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर कैसे भी जुगाड़ करके इसमें लगा दे कंपनी, ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलते हैं अभी अगले पॉइंट की तरफ। चलो ठीक है भैया, मैंने गाड़ी भी अच्छी लग रही है मेरे को, लुक वाइज अच्छी खासी है, डिस्क ब्रेक मिल रहा अच्छी बात है, चाबी भी अच्छी खासी, मतलब
लिटरली सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम गाड़ी ले ली, लेकिन इसका रेंज क्या है भाई। अब मैंने अपने किसी को सजेस्ट कर दिया, वो कह रहा भाई इसकी तो रेंज ही अच्छी नहीं है, क्या फ़ायदा, क्या ले ली मैंने गाड़ी। आपके पापा कहेंगे या फिर कोई भी अगर आप दिलवाते हो तो उन्हें कहेंगे भाई रेंज ही नहीं है इसमें अंदर, तो क्या फ़ायदा। तो भाई इसके अंदर जो रेंज मिलती है आपको बता दूँ, इसके अंदर मिलती है आपको 100 किलोमीटर की रेंज, और ये है इको मोड का। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है रेंज इसका। बाकी इसके अंदर आपको 100 का मिल रहा है रेंज, तो मान लो करीबन आपका 90, 85 या 70 तक आपको जो है अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा, अगर आप मिक्स चलाते हो, दोनों मोड में चलाते हो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसका जो इको मोड है वो भी काफ़ी सही है, ओला से तो काफ़ी सही है। तो इसके अंदर मेरे को वो अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, इस गाड़ी के हिसाब से जो इसका रेंज है वो काफ़ी सही है। बाकी एक चीज़ और इसके अंदर मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। ये नहीं कि जैसे कि ओला की है कहीं उसका बिल्कुल ही, एक तो नो नट तो है ही वैसे भी वो, मतलब उसके अंदर बोल्ट होल्स नहीं है ज़्यादा, और उसमें सेफ्टी भी लगा के नहीं देती कंपनी, खुद बाहर से लगवाओ, अगर लगवाई तो ख़त्म है उसकी वारंटी, बट इसके अंदर आपको कंपनी खुद लगा के देखती है, आप ये देख सकते हो लगा के दे रखा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले काफ़ी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, कहीं से भी आप देख लो। ये फाइबर है इसका, और जहाँ तक इसका जो भी बॉडी पार्ट्स है मेरे ख्याल से ये सभी के सभी फाइबर है, लोहा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये भी फाइबर, हर जगह फाइबर ही फाइबर भरा पड़ा है, हर जगह फाइबर है। तो हल्की गाड़ी है, काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, रेंज काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट चीज़ दोस्तों इसके अंदर मिलता है आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट, जिससे अगर आपका अगर फ़ोन है वो आप इस गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी जो नोटिफिकेशन आएगी आपके फ़ोन पे वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, इसके मीटर पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो है आपके, जो आपको पता लग जाएगा कि कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन पे तो आपको पता लग जाएगा। अब चलाते हुए गाड़ी को आप ये नहीं निकालना, आपके देखना पड़ेगा कि फ़ोन किसका आ रहा है, क्या मैसेज आया, क्या जो भी आया, सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि इसके अंदर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाता है इस गाड़ी में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं आपको जो मेरे को अच्छी लगी इस गाड़ी के अंदर, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप इस गाड़ी को परचेज़ कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीज़ें थी वो जो मैंने आपको बताई, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ यार बताना कि आप ये गाड़ी परचेज़ करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, जो भी है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।